और अब देश की एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। वक्त बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक थी, लेकिन वो बैठक मानो लड़ाई के मैदान में बदल गई। बैठक में इस कदर हंगामा हुआ कि टीएमसी के एक सांसद ने कांच की बोतल को पटक कर तोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ और कहां से यह पूरा मामला शुरू हुआ, कहां से पूरा बवाल शुरू हुआ, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में, क्योंकि शीतकालीन सत्र आने वाला और इसीलिए यह बैठक बेहद जरूरी हो जाती है। वक्फ बोर्ड पर बनी संयुक्त संसदीय समिति बैठक की है। मंगलवार को इस बैठक में फिर जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरों में एक तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दूसरी तरफ एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी दिख रहे हैं। बीच में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हैं, जो घायल हैं। अब पूरा मामला समझिए। जानकारी के मुताबिक बैठक में हंगामे के दौरान कल्याण बनर्जी ने गुस्से में कांच की पानी की बोतल को मेज पर पटक दिया। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बाल बाल बच गए। हालांकि इस दौरान कल्याण बनर्जी खुद ही चोटिल हो गए, उनकी उंगली में चोट लग गई। बताया जा रहा है कल्याण बनर्जी को 4 टाके लगे हैं। जेपीसी बैठक में ये बहस ओडिशा समूह के साथ बैठक के दौरान हुई। बैठक में जस्टिस इन रियलिटी कटक ओडिशा और पंच सखा प्रचारक कटक ओडिशा बानी मंडली अपने सुझाव रख रहे थे। बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थी, लेकिन कल्याण बनर्जी अपनी बात रखना चाहते थे, जबकि उनसे पहले ही 3 बार बात की जा चुकी थी। इसको लेकर बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने आपत्ति जताई। इसको लेकर बीजेपी सांसद और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी में तीखी बहस हो गई। इस घटना के कारण बैठक कुछ देर के लिए स्थगित भी कर दी गई।